की नौकरी जगह 12 घंटा नौकरी लिया जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वर्कर का कोई पगार नहीं बढ़ रहा है। मेरे यहाँ के लोकल के नेता हों या चाहे जो भी हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे कॉरपोरेटर के हों, एक्स वाई जेड कोई भी हो, मेरा ये कहना है कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है उस हिसाब से वही बढ़ना चाहिए। और जैसे यहाँ सुरक्षा माल सुरक्षा का इंतजाम कितना है यहाँ के लोगों का? कोई सुरक्षा नहीं। केजरीवाल को लोग न चाह के भी वोट देंगे इसके लिए कि जो महंगाई है ना वो अहम मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूजीफाई न्यूज़। आज हमें उधना विस्तार के विधानसभा में, और चलिए यहां के लोगों से जानते हैं कि यहां का चुनावी माहौल क्या है और प्रचार प्रसार काफ़ी चरम सीमा तक है। तो चलिए देखते हैं कि किसके प्रचार प्रसार से प्रभावित हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोकल से क्या हाल चाल। यहाँ का हाल चाल है जैसे हमारे, आपका नाम क्या पहले? नारायण सिंह पटेल। नारायण सिंह कहाँ से हैं? हम तो ऐसे मूल निवासी एमपी के हैं, रीवा डिस्ट्रिक्ट के, उत्तर तहसील के। अच्छा, रीवा डिस्ट्रिक्ट के। जी हाँ। तो यहाँ का मतलब क्या चल रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है? यहाँ अब हमारे जैसे कमल पंजा और आप झाड़ू, तीनों का माहौल एकदम चरम सीमा पे और तीनों का लगभग एकदम करीबी मामला है। अब वो तो उस समय मालूम चलेगा कौन आया कौन नहीं आया। अच्छा, 8 तारीख को मालूम चलेगा। हाँ, 8 तारीख को मालूम चलेगा। क्या लग रहा है कि कौन आ सकता है? अब ये तो वासापुर पूर्व इस समय कांग्रेस और अपना भाजपा का बराबर टक्कर है। हाँ, वो आने में तो अच्छा। हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कामकाज कैसा रहा बीजेपी का? कामकाज तो बीजेपी का सबको दिख रहा है कि अच्छा ही रहा जो रहा उसके। अच्छा। अब तक की सरकार में। अच्छा। हाँ। और जो तीसरी पार्टी आई है अपने मैनिफेस्टो पेश कर रही है सामान्य वर्गों के लिए, काफी ज्यादा उसने कुछ बोल रही है, तो क्या लग रहा है? वो तो चुनाव के समय में हर पार्टियां बोलती हैं, बोलने में कोई अपना कसर नहीं छोड़ता है। क्या बोलते हैं, बोलने को तो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी क्या करेंगे क्या नहीं, जो नामुमकिन उसको मुमकिन बताते हैं। अच्छा, चुनाव के समय में। अच्छा, क्या हाल चाल, क्या नाम है? अजय घोष। अजय, तो यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो फिलहाल हो गया 10 साल। 10 साल, तो इस बार आप चुनाव में जा रहे हैं? जी। अच्छा, वोट करने जा रहे हैं, तो क्या हालचाल, यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, जनता का क्या मिजाज है? अब जनता का मिजाज क्या है अब जनता ही समझ सकती है ना। अच्छा। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हाँ। और ये क्या होता है, जब टाइम आएगा। हाँ। मतलब क्या, जब जिस दिन फैसला होगा उसी दिन मालूम पड़ता है। अभी क्या बता दे कि कौन क्या है, कैसा है, कौन कैसा नहीं है। ये जिसका कार्य अच्छा रहता है, जो बढ़िया चलता है, तो वही उसी का नाम आता है ना। यहाँ भाजपा 27 सालों से है, तो उसका कामकाज कैसा है? अच्छा ही। सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। तो क्या लग रहा है, जो तीसरी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य पर उंगली उठा रही है, वो वाजिब है? अब उंगली उठाने का तो एक छोटा बच्चा भी उठा देता है। अच्छा। थोड़ा सा वो करने पे एक दूसरे को, क्या है कि ये इलेक्शन ऐसा चीज होता है कि एक दूसरे का सपोर्ट करने गिराने के चक्कर में कौन कैसा है वो कैसा है। इसमें क्या पड़े, जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा करेगा तो उसका ही अच्छा ही होता है। आपके विस्तार में गवर्नमेंट स्कूल है इस ये इलाके में? इस इलाके में है, उधर है। अच्छा, ये बताएंगे कि हाँ बच्चा बताओ, गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पर है? हाउसिंग में। हाँ। बीरभंजन है। हाँ। अब इन चीकोबाड़ी में। अच्छा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं बीरभंजन महाकवि कालिदास। अच्छा, तो कैसा है वहाँ का स्कूली शिक्षा? सही है, सब बढ़िया है। हाँ। टीचर आते पढ़ाने? हाँ। क्या बोल रहे हो? पासवान सर। क्या क्या नाम है? सागर। सागर, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डेफोडिल इंग्लिश स्कूल। अच्छा, इंग्लिश स्कूल। प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल है, कैसी पढ़ाई है? अच्छी है, अच्छी है। मैं दीदी गवर्नमेंट में पढ़ता हूँ, उधर मस्त पढ़ाई होता, मतलब पहले जैसा नहीं, अब एक से एक पीरियड लिया जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ, मस्त होती है दीदी। अच्छा। गवर्नमेंट भी प्राइवेट की तरह हो गया है अब। अच्छा, तो सारी पढ़ाई ढंग से होती है? हाँ, एक भी पीरियड खाली नहीं जाता कि टीचर इधर चले गए उधर, नहीं, पूरे टीचर टाइम टू आएंगे। टाइम टू टाइम टीचर का आना है। पढ़ाई अच्छे से हो रही है, हर चीज अच्छे से मिल रही है, सारी व्यवस्था अच्छी है। हाँ। चलो, यहाँ पर हमने बच्चों से पूछा, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूली व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। यहाँ हमारे जिनसे हम जानते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। हेलो, क्या नाम है आपका? योगेंद्र दुबे। अच्छा, तो योगेंद्र जी केम छो? बस मजामा। यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो अभी सब अच्छा ही है, अभी सभी पार्टियाँ हैं देखिए, मगर यहाँ पे तो ऐसे भी बीजेपी का ही बोलबाला है। हाँ। बट इतना है कि अभी इस बार बहुत लोग ऐसा भी चाहते हैं कुछ बदलाव आना चाहिए, और बदलाव तो पब्लिक ही लाएगी। अब इसमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, पब्लिक के ऊपर है,
बट जहाँ तक है यहाँ पे गुजरात में तो बीजेपी के सिवा कोई और नहीं। अच्छा, परिवर्तन नहीं हो पाएगा सूरत में? परिवर्तन कहीं कहीं पे होगा भी। अच्छा, कुछ विधान सीटों पे, कुछ विधानसभाओं पे, पर बाकी सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि कुछ सीटें परिवर्तित हो सकती हैं लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। क्या हालचाल, क्या नाम है आपका? पंकज सिंह, राजपूत। तो पंकज जी, क्या यहाँ का, यहाँ किस, यहाँ पंकज खिलेगा? नहीं, यहाँ कमल नहीं खिलेगा। तो क्या खेल सकता 50-50 चल रहा है। अच्छा, 50-50 का मुकाबला है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सही नहीं जा सकता। हाँ। क्योंकि जनता खामोश है। अच्छा, खामोश है। हाँ? और जनता का मूड हाँ। लास्ट में ही आता है। अच्छा, यहाँ कोई लोकल में परेशानी इस विस्तार में जहाँ आप खड़े हैं? परेशानी तो आम आदमी को अधिकतर बहुत है, लेकिन एक एक आदमी की परेशानी आप हमसे नहीं पूछ सकते। हर आदमी को परेशानी, जैसे चुनावी माहौल में आप आते हैं, सबकी तकलीफें पूछते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं? अच्छा, बताइए आप। देखिए, हम पूछ रहे ना, चुनावी माहौल में क्या परेशानी है बताइए, कि सरकार उस मुद्दे को लेकर लड़े ना। खाली चुनाव माहौल में ही आप मुद्दे लाओगे? अच्छा, तो मतलब आप हमें बता तो दीजिए। अरे हम बताएं कि आप जनता की तकलीफ को देखें। अच्छा, आप मुँह से कहिए तो सही, क्या कर रहे हैं? सारी अगर जनता जनता मुंह से नहीं बोलेगी कि हमें ये परेशानी है, तो हम बोल के क्या बोलेंगे? खाली केम छो, तो हम छे कहाँ है, हम कहाँ है? केम छो मतलब नहीं, कैसे केम छो आप बोलोगे तो हम कहाँ है? अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ बस। अच्छा। और इस बार उत्तर भारतीय अपने हिसाब से, और ज्यादा जानकारी नहीं होगा कि चुनाव कब हुआ और कब हो रहा है। चलिए, आप हमें यहाँ की लोकल परेशानियाँ नहीं बताने में समर्थ है, यहाँ की लोकल परेशानियाँ क्या है आप बताइए। अभी लोकल परेशानियाँ इन लोगों को, ये देखिए, अभी ये बोल रहा है कि लोकल परेशानियाँ, पर परेशानियाँ क्या हैं वो बोलोगे तो मालूम चलेगा ना। हाँ। अब देखो, इलेक्शन आया, मीडिया की गलती देने की क्या फायदा? नहीं, मीडिया की गलती है, मीडिया की गलती क्यों? रुकिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, बोलिए, रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। दो मिनट आप कहिए। देखिए, मीडिया की गलती क्यों है? मीडिया जहाँ है, जो आप बोलोगे वही नहीं, मीडिया आती है, मीडिया जब बुलाओगे, जब मीडिया किसी को दुख होता है, तकलीफ होता है, एक्सीडेंट होता है, मर्डर होता है, मीडिया पहुँचती है और मीडिया सब तक पहुँचाती है वो चीज। मीडिया की गलती तो बोला ही नहीं मैं। मीडिया ही है जो लोगों को आवाज नहीं पहुंचती। यहाँ की स्थानीय मुद्दा क्या है, बात छोड़िए, यहाँ की स्थानीय मुद्दा क्या है जिस पर? हाँ बोलिए, हाँ तो बोलिए ना, क्या मुद्दा? स्थानीय मुद्दा मदाई है, खाली यहाँ पे मीडिया सिर्फ चुनाव के टाइम आती है। चुनाव के टाइम खाली सुनने आ जाएगी कि किसको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद चुनाव खत्म, और उसके बाद मीडिया भी खत्म। और सब तो 5 साल में आप एक बार आओगी? ऐसा नहीं, हम दिल्ली से आए हुए, यहाँ सर्वे चल रहा है हमारा। हाँ, तो आप दिल्ली से आई हो या कहीं से भी आई हो, लेकिन इसके पहले यहाँ पे क्या महंगाई है, क्या कुछ है यहाँ? नहीं, पूरे देश में महंगाई है, बताइए कि महंगाई। हाय हाय, हाँ तो बोलिए ना कि महंगाई है और क्या क्या दिक्कतें हैं गुजरात में, ये बताइए। दिक्कतें बोलिए बोलिए, हम बहुत सारे यहाँ पे विरोध, यहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। चलिए, यहाँ यूपी हर प्रांत के लोग रहते हैं गुजरात में। यहाँ पे जो डाइंग पेंटिंग में निर्भर, जो यहाँ की कपड़ा मिल है उस पर निर्भर है यहाँ के मजदूर। हाँ। बाहर के जाके तो डाइंग पेंटिंग का माहौल कैसा है? माहौल क्या है, महीने में 20 दिन चलती है। अच्छा। 10 दिन बंद रहती है, उसका मद्दी का सर, चाहे अपने नेता वर्ग के लोग है या कपड़ा मंत्री हो, कोई मंत्री हो, अब आप सुनो मेरी बात, तो 20 दिन में काम करके वो कितना बचाएगा मजदूर यहाँ, और कितना बचाएगा, कितना घर भेजेगा, कितना खाएगा? महीने का 2000 रूम भाड़ा है, 10 रुपया यूनिट लाइट बिल है, पानी का बिल अलग है, क्या बचाएगा आदमी? मेन मुद्दा यहाँ मजदूर है, और मजदूरों का मेन काम डाइन पेंडिंग मिल है, कपड़ा मिल जो यहाँ जब बोलते हो, अब उससे आगे मजदूरों की समस्या कौन सुन सकता है यहाँ पर? अच्छा, सरकारी नियमों के हिसाब से 8 घंटे की नौकरी है, हम लोग 12 घंटा नौकरी करते हैं, और पगार उतनी ही मिलती है जितना 8 घंटे की मिलनी चाहिए। तो ये सरकार आज तक, कई साल हो गए, आज तक क्यों नहीं समझ रही कि हम यूपी से आते हैं, इतने मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो मजदूरों की पगार क्यों खाली 8 घंटा ऑन पेपर दिखाया जाता है और ऑफ पेपर 12 घंटा खटते हैं, तो क्यों इस पे कोई मुद्दा कोई नहीं उठाता? तो ये आपके आपके जो लोकल नेता जो उठे हैं 84 विधानसभा से, वो इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, वो
धारा 370 की बातें करते हैं, वो यहाँ के मुद्दे के बारे में बात क्यों नहीं करते? आपने कभी पूछा नहीं उनसे? 370 कश्मीर में चलता है, यहाँ सूरत में नहीं चलता है। यहाँ क्या धारा 370 है? तो हम पूछेंगे, हम पूछेंगे। अगर आप कहेंगे कि हमारा सवाल है तो हम उनको वीडियो दिखाएंगे कि जनता पूछ रही है। बोलिए हमारे। मेरा सवाल है, हाँ, नेता से सवाल। हाँ, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। 8 घंटे की नौकरी जगह 12 घंटा नौकरी लिया जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वर्कर का कोई पगार नहीं बढ़ रहा है। मेरे यहाँ के लोकल के नेता हों या चाहे जो भी हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे कॉरपोरेटर के हों, एक्स वाई जेड कोई भी हो, मेरा ये कहना है कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है उस हिसाब से वही बढ़ना चाहिए। 12 घंटे ले रहे हैं, सैलरी टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, 8 घंटे के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, मैं सही कह रही हूँ? अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? तो सही है, आप सही कह रही हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जैसे कारीगरों को जो हो रहा है वहाँ गेट पे तो मालूम पड़ेगा, आदमी जाने कितने बजे जाते हैं कितने बजे निकलते हैं वो बोल दिए। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसन पे है, अंदर से कोई उन्हें कंडक्टर है, वो कंडक्टर मनचाहा काम ले रहा है वर्करों से। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो मनचाहा काम लेता है, जबरदस्ती काम लेता है वर्करों से। नहीं है उसके पास आदमी, वो तुमको 36 घंटा 48 घंटा नहीं। हाँ, उत्तर भारतीयों की यही समस्या है कि 8 घंटे की नौकरी की बजाय वो 12 घंटे नौकरी करा रहे हैं और पगार उस समय नहीं मिल रहा। ठीक ठीक। और हम मैं समझ गई, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, एक ही चीज को बार बार हम क्यों रिपीट करें? मैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हालचाल, क्या नाम है? मेरा राजाराम है। राजाराम जी नाम है, क्या हालचाल यहाँ का? मेरा ठीक है। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं ज्यादा नहीं, 5-6 महीने से रह रहा। 5-6 महीने से रह रहे हैं। केम छो, क्या हालचाल? बरुआ है, बरुआ है मैंने। क्या नाम है आपका? शशिकांत मिश्रा। तो शशि जी कितने सालों से रह रहे हैं आप? हो गया 30 साल। 30 साल, तो 30 साल में तो कई चुनाव आके जा चुके हैं, क्या हालचाल? हाल तो बरोबर ही है, बीजेपी आएगा, लेकिन हमारा क्या ये है, 8 घंटे की नौकरी है, 12 घंटा काम लेते हैं, या तो फिर पेमेंट भी बढ़ाए 12 घंटे का, तो लोग 8 घंटे का पेमेंट भी देते हैं और हाथ भी देते हैं पूरा 12 घंटे का। हमको ये है, और दूसरी बात महंगाई इतनी जो आ गई है, यही दो चीज़। ये जो एरिया है, ये सोसाइटी का नाम क्या है? सत्यनारायण नगर, इधर प्रेम नगर है। प्रेम नगर, और यहाँ सब उत्तर भारतीय सबसे ज्यादा भारतीय सब आज उत्तर यहाँ सबसे ज्यादा को पांडेसरा को सब छोटी मिनी कहते हैं यहाँ पे। छोटी मिनी, हाँ, छोटा यूपी यहाँ पे। छोटा यूपी, मिनी यूपी। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे ज्यादा डाइम पेंटिंग में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक है? तो यहाँ सबसे ज्यादा यही समस्या है। और जैसे यहाँ सुरक्षा माल, सुरक्षा का इंतजाम कितना है यहाँ के लोगों का? कोई सुरक्षा नहीं। अरे आप मेरे बार बार माइक मत पकड़िए। हाँ, क्या अभी देखिए चुनाव आया ना, सफाई चालू हो गया। चुनाव में सफाई चालू है, और कुछ नहीं, बस हम यही दो ही परेशानी थे, महंगाई और कंपनी। स्कूली व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? वो बढ़िया है, सब बढ़िया है। चलिए हम चाचा से जान लेते हैं, क्या हाल चाल? बढ़िया मैडम। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार दुबे। संतोष जी, यहाँ का हाल चाल? यहाँ के जो नेता है दिल्ली से आके यही कह रहे हैं कि गुजरात में, मतलब बीजेपी के बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, वो यहाँ कैसा कह रहे हैं कि सूरत सबसे ज्यादा रोजगार देता है लोगों को, तो ये कितना प्रतिशत सही है उनका स्टेटमेंट? नहीं तो सबको तो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मंदी चल रही है। अच्छा, मंदी चल रही है। हाँ। मंदी में कहाँ रोजगार है? अच्छा। तेजी तो आई नहीं है। अच्छा। तेजी हो तो ठीक है, रोजगार चले। अच्छा। तो क्या हालचाल, अभी केजरीवाल आ रहे हैं तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल को लोग ना चाह के भी वोट देंगे इसके लिए कि जो महंगाई है ना, वो अहम मुद्दा है यहाँ, क्योंकि यहाँ रहने वाले जो है वो उस कैपेबल नहीं है कि महंगाई को झेल सके। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में स्टॉप करके यहाँ आए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनकी भी कुछ सीटें कंफर्म होंगी? नहीं, यहाँ नहीं। तो चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या हालचाल? बढ़िया है। कहाँ से? राजस्थान से। तो क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जोर लग रहा है, बीजेपी आएगी जो क्या ऐसा देखा जो बीजेपी दोबारा आने की कोशिश में, आप लाने की कोशिश में? और काम बीजेपी का संभव है, सब बढ़िया है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पहले गुंडागर्दी होती थी, अभी एकदम शांति से घूम सकते हैं महिला, कोई भी रात को निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा। बिंदास घूमो। अच्छा। वो तो चलता रहता है। अच्छा। जो काम बीजेपी वाले ने किया वो आज दिन तक किसी ने नहीं किया है। और जो केजरीवाल आने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं आएगा। कि आदित्यनाथ जी आए, बहुत बड़ा रोड शो हुआ, योगी जी को यहाँ पेश किया जा रहा है,
स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर भारतीयों का वोट बैंक बटोरने के लिए, तो उत्तर भारतीय बताएं कि यहाँ की समस्या क्या है। उत्तर भारतीय के जो भी नेता आए हैं उत्तर प्रदेश से, हम सबका सम्मान करते हैं, तहे दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लोग को जाने के लिए कभी ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं मिल रहा है। अच्छा। अभी भी नहीं मिल रहा है मार्च अप्रैल मई का। हाँ। तो हमारा तो लोग सुनते नहीं, खाली वोट के लिए आते हैं। अच्छा। ये तो गलत बात है ना मैडम। दूसरी बात, 84 विधानसभा में सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय हैं। हाँ, हाँ। और उनको टिकट मिलता ही नहीं, आखिर कारण क्यों, ये दुर्व्यवहार क्यों? अच्छा। ये दुर्व्यवहार जो होता है ना ये गलत है। हाँ गलत है। तो क्या उम्मीदें कर रहे हैं जो सरकार आएंगी? कोई भी आ सकता है, क्या उम्मीदें कर रहे हैं? अब देखिए कौन आता है कौन नहीं आता। उत्तर भारतीयों के लिए ट्रेन की सुविधा अच्छी कराई जाए। हाँ कराई जाए, बिल्कुल कराई जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये क्या है, ये 84 विधानसभा में क्या है उत्तर भारतीयों का वोट ज्यादा है। मेरा सबसे बड़ा कहना ये है, मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि बीजेपी या कांग्रेस या XYZ कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को लेके नहीं चल रहा हूँ, जो भी पार्टी हो वो उत्तर भारतीयों को टिकट दे। अच्छा, कंफर्म टिकट मिले, आने जाने की सुविधा सही से हो, क्या कह रहे हैं आप? 4 महीना पहले टिकट निकालते हैं कंफर्म के लिए। हाँ। वो भी कंफर्म नहीं होता है। अच्छा। वो सब अपना खड़े खड़े जाते हैं, क्या मतलब है? अच्छा। उसके लिए मैडम कभी भी हमारे उत्तर भारतीय जो आते हैं उत्तर प्रदेश से ना, उसके लिए कभी ये पूछते हैं क्या कि तुम लोग को क्या तकलीफ है? हाँ। कभी बुला के हम लोग को स्टेट पर नहीं चढ़ा दिया जाता है न, उनसे बात करने देते हैं कि हाँ भाई बात तो करो, अपनी समस्या कभी पूछे क्या उत्तर भारतीय जो नेता आते हैं कि आप लोग को तकलीफ क्या है? समस्या का निराकरण यहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ पे समस्या का निराकरण नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। आज ये रोड जो है इतना चौड़ा है कि इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसका डिमोलेशन फाइनल है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। बल्कि इसके पीछे वाले रोड में भगवान जाने, सरकार को किसी ने पैसा दिया होगा या कुछ किया होगा, वो रोड धकाधक चौड़ा होते जा रहा है। अच्छा। लेकिन इस रोड का कोई निराकरण नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ आने जाने की समस्या है। बिल्कुल, आप शाम को आ जाइए, देखिए पूरा रोड जाम रहेगा। अच्छा। हाँ अच्छा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वादों के बगान में हरियाली तो है, वादे करके भूल जाना, लेकिन अभी आपके दरवाजे पर सरकार तो है। सरकार भले है, लेकिन हाँ। सरकार कोई काम कहाँ कर रही है? सरकार वोट तो मांगने आ रही है ना। सरकार वोट तो मांगने आ रही है। अच्छा, दरवाजे पर सरकार है, वो वादे करके भूल जाएंगे, लेकिन अभी दरवाजे पर सरकार तो है। इसी तरह से लोगों का हम राय इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ उत्तर भारतीयों की यही समस्या है कि ट्रेन की समस्या है कि उन्हें कंफर्म सीटें नहीं मिल पाती है, या उनके लिए 4 महीना पहले टिकट बुक करें तो भी नहीं मिल पाता है। ये सारी उत्तर भारतीयों की समस्या है जो 84 विधानसभा को लगता है, और सबसे ज्यादा वोट बैंक जो वोटर्स हैं वो उत्तर भारतीय हैं। तो इसी तरह से हम लोगों की समस्या आप तक सुनाते रहेंगे। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ 5 न्यूज़, सूरत।